स्थिति खराब है, घर का व्यवस्था नहीं है कुछ सरकार की तरफ से, और यहाँ बिल्डिंग जो बनी है जर्जर स्थिति बनी हुई है, कभी भी गिर सकती है। और जो बिल्डिंग बनी है हमारे पिता ने बनाने का काम किया था उस समय में जब मुख्यमंत्री, और कमला नेहरू नगर जो है यहाँ पर उन्हीं का दिया हुआ है, यहाँ बसाया हुआ है सारे गरीब जनता जो अपने सपोर्टर हैं अपने यहाँ, तो यहाँ से हमको कंप्लेन किया था और कुछ लोग मिलने भी आए थे हम, तो हम यहाँ पे आए हम इनकी समस्या को सुनने के लिए आए और सरकार से यह हम मांग करते हैं कि इनका कुछ व्यवस्था कराया जाए। अब घर वगैरह जो है स्थिति खराब है पूरे तरीके से, फिर से पूरे तरीके से कचरा का ढेर है पूरे तरीके से, ना नगर निगम आता है ना सफाई करता है ना कुछ करता है, कोई नहीं आता है सर, कोई नहीं आता, व्यवस्था खराब है। आप इनसे पूछने का काम कीजिए, ये बताने का काम करेंगे यहाँ के निवासी। क्या आपने क्या कहा है, किसी अधिकारी से बात किया है आपने? अधिकारी तो देख ही रहे होंगे ना, मुख्यमंत्री तो देख ही रहे होंगे, अधिकारी को तो हमने अभी अभी दिया है, अभी देंगे हम, बात करेंगे अधिकारी को। थैंक यू ठीक है सर। तेज प्रताप जिंदाबाद। सारिया खातून नाम है इनका, और पूरे तरह की स्थिति खराब है और सरकार कभी आया ही नहीं है आज तक। हमारे पिता आदरणीय श्री लालू प्रसाद आए थे जी सर, लेकिन सरकार नहीं आया, नीतीश कुमार जी नहीं आए, और उल्टा इन लोगों को हटाने के लिए नोटिस दिया जाता है बार बार जी सर। हम आए यहाँ से, लोगों ने हमें कंप्लेन किया जी, तब मैं यहाँ पे आया, मैं देखने के लिए आया सर कि इन लोगों को हटना पड़ेगा। नहीं, क्यों हटना पड़ेगा, अगर सरकार हटाता है तो इन लोगों को व्यवस्था करना चाहिए। देखिए कैसे मरा रहे, खाने पीने का तकलीफ है, हम लोग आप ही आप ही के जीते आते हैं यहाँ पे, मरते सरकार नहीं आया, हम आपका सेवा सरकार के मन में नहीं करते। नहीं नहीं, सरकार यहाँ आया नहीं देखने, हम आप ही सरकार मानते हैं, नहीं मानते। अच्छा, अपना सरकार बनेगा तो आपको तो देख सकते हैं लालू के बड़े लाल तेज प्रताप यादव कमला नेहरू नगर में आए थे, और कहीं ना कहीं सरकार के यह आदेश आया था कि ये लोग जो हैं वो उन लोगों को हटना पड़ेगा, नोटिस आया था। तो तेज प्रताप यादव जो खुद पहुंचे हैं और कहीं ना कहीं ये आश्वासन देते हुए ये कह रहा है, लोगों से कह रहे हैं कि देख सकते हैं कि किस तरह से तेज प्रताप यादव जो गरीबों की मसीहा जो तेज प्रताप यादव हैं वो पहुंचे हैं। सरकार देख रेख नहीं कर रही है, आप खुद देख सकते हैं कि सरकार को यहाँ पे बना करके देना चाहिए और कोई व्यवस्था नहीं है सरकार का। अच्छा, यहाँ पे हमने देखा कि अस्पताल जो है अंदर में सरकारी वो बंद है, क्योंकि रात में ओपन होना चाहिए, 24 आवर डॉक्टर होना चाहिए वहाँ पे, तो वो भी व्यवस्था नहीं है। कभी किसी को इमरजेंसी लग जाए, एम्बुलेंस लग जाए, पहले गरीब आदमी ठेला पे लाद के ले जाने का काम करते हैं, ये स्थिति बनी हुई है। नहीं देखेंगे तब तक पता कैसे चलेगा। तो देख सकते हैं नेता प्रतिपक्ष, माफ कीजिएगा, तेज प्रताप यादव जो बड़े लालू के बड़े लाल हैं वो ये देखिए, ये स्थिति बना हुआ है, यहाँ सरकार आना चाहिए, मरम्मत कराना चाहिए, घर व्यवस्था करना चाहिए, लेकिन सरकार का काम हो चुका है पूरे तरीके से। सर नोटिस आया है तो लोगों को हटना पड़ेगा, क्या लगता है सर? नहीं, अगर आप नोटिस भेजे हैं तो रहने का व्यवस्था कर दिए तभी लोग हट जाएंगे, गरीब का जब तक व्यवस्था नहीं होगा तब तक तो यहीं रहेगा ना, ना गरीब का व्यवस्था किया, ना गरीब को रोजगार दिया, ना कुछ दिया, इनसे पूछे ये बताएंगे। बोल रहा सर ना, ये गरीब के दिया हुआ चीज है, ठीक है ना, लालू यादव का पूरा कमला नेहरू नगर दिया हुआ।